मैं विशाल साठे हेल्थ चैनल के एक और नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हर बार मैं आपको किसी नए आयुर्वेदिक वनस्पति से रूबरू करवाता हूं, उसके दर्शन करवाता हूं और उसकी जो महत्ता है वो हम लोग हेल्थ चैनल के माध्यम से डिस्कस करते हैं। और जब भी किसी भी आयुर्वेदिक वनस्पति की महत्ता, उसके गुण मैं जब आपसे डिस्कस करता हूं तो सच कहूं मेरा मन जो है वो भावनाओं से सराबोर हो जाता है और मैं सोच में पड़ जाता हूं कि आखिर वो दिन कब आएगा जब हम सभी आयुर्वेदमय हो जाएंगे और हमारे दैनिक दिनचर्या में हर रोज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सेवन करना शुरू कर देंगे। आखिर वो दिन कब आएगा। तो इसी प्रयास, इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही दिव्य वनस्पति के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इतनी दिव्य है कि वो भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत प्यारी है और उनके दिल के वो बहुत ही करीब है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दर्शन कीजिए इस महान वृक्ष का, इस महान आयुर्वेदिक वनस्पति का जिसका नाम है कदंब। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको जड़ी बूटियों के बीज चाहिए तो कुछ कुछ जड़ी बूटियों के बीज मैं vishalsathe.me पे प्रोवाइड करने लगा हूं। आपको कुछ जड़ी बूटियों की सीड्स चाहिए तो इस वेबसाइट पे जाइए। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने ज्योतिष शास्त्र पे दो नए चैनल्स शुरू किए हैं, एस्ट्रो राहु हिंदी और एस्ट्रो राहु इंग्लिश। अगर आपको ज्योतिष शास्त्र में रुचि है तो इन्हें सब्सक्राइब कीजिए। कदम के वृक्ष को अगर आप ध्यान से देखें तो वो सीधा ऊपर बढ़ता है। उसका तना भी अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा सफेदी लिया हुआ होता है। कदम के पेड़ की एक खास विशेषता है, वो है उसकी शाखाएं। अगर आप इसकी शाखाओं को ध्यान से देखें तो वो देखिए किसी गुलदस्ते की तरह उसमें से, उसके तने में से निकलती हैं। ये देखिए, ये शाखाएं बहुत ही नाजुक होती हैं, इनमें बहुत दम नहीं होता है। तो अगर आप कदम के पेड़ पे चढ़ने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिए, हो सकता है कि किसी शाखा पर आप ज्यादा वजन रख दें और वो टूट करके आपको गिरा दे। और उसकी खास और एक विशेषता होती है जो पहचान के लिए बहुत जरूरी है, वो है उसके फूल। वैसे ये बरसात में खिलते हैं और सूख करके काफी बार 12 महीने लड्डू की शक्ल में लटके रहते हैं। ये देखिए, ये कितना सुंदर फूल है कदम का। ये अभी कच्ची अवस्था में है और जब ये पूरी तरह से खिल जाता है तो ये बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा ये कैसा होता है। ये देखिए, ये इसका पूरी तरह से खिला हुआ फूल है। देखिए क्या खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत ये फूल है। ये जब फूल सूख जाता है तो उसकी पंखुड़ियां झड़ जाती हैं और ये कुछ इस तरह का हो जाता है, थोड़ा ग्रीन जैसा, लड्डू जैसा। और जब ये और पक जाता है, थोड़ा और सूख जाता है तो ये ऑरेंज रंग का हो जाता है। ये देखिए, ये सूखा हुआ इसका फूल है जो अब धीरे धीरे फल की शक्ल लेने लगा है। कदम के अगर हम पत्ते देखें तो वो थोड़े लंबे होते हैं और ये कलर में थोड़े से लाइट ग्रीन होते हैं और ये क्वालिटी में बहुत अच्छे होते हैं। आपको ये थोड़े से चमकीले नजर आएंगे। और अगर आप सोन चंपा के पेड़ को जानते हैं, उसको अगर आपने देखा है तो उसके पत्ते और कदम के पत्ते काफी एक जैसे नजर आते हैं। ये देखिए, ये कदम का पत्ता है और ये देखिए कितना लंबा है। अब इस महान वनस्पति के फायदे देख लेते हैं। कदम का पेड़ पीपल, नीम, गुलर, पलाश, अंकोल, शीरीष, शीशम, मोलश्री इत्यादि वृक्षों की ही तरह अत्यंत विषनाशक होता है। और क्यों ना हो, हम सभी जानते हैं किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने भयंकर कालिया नाग को वश में किया था। तो ये समझना और याद रखना बहुत ही आसान है कि उनका जो प्रिय वृक्ष है कदम, वो अत्यंत ही विषनाशक है। आप कदम के इस गुण को बड़ी सरलता से इस तरह से याद रख सकते हैं। तो कदम जो है वो सर्प विष में भी बड़ा कारगर है। इसमें इसके छाल का उपयोग किया जाता है और ये इतना विषनाशक है कि ये मॉडर्न दवाओं का जो साइड इफेक्ट है, जो केमिकल्स वाली दवाएं हैं उसका जो साइड इफेक्ट है, उसे भी दूर करता है। तो अगर किसी ने गलती से स्टेरॉइड्स ले लिए हो
या कोई ऐसा मेडिकेशन किसी ने ले लिया हो जिसके चलते उसको बहुत ही साइड इफेक्ट्स हो गए हो, ऐसे में कदम का सेवन करने से इन साइड इफेक्ट्स में से पूरी तरह से ठीक हुआ जा सकता है। और इसका एप्लीकेशन बहुत ही वाइड है, क्योंकि आजकल जो हम लोग मार्केट में देख रहे हैं सब्जियों में भी और हर तरह के फलों में भी जो दवाइयाँ छाटी जा रही है, फर्टिलाइजर का उपयोग किया जा रहा है, कृत्रिम रूप से चमकीला बनाने के लिए वैक्स का उपयोग किया जाता है, ये सब जो विष है आजकल हम उनका सेवन किए जा रहे हैं और इससे जो किडनीज पे हमारे लोड पड़ रहा है इसको भी दूर करने में कदम अत्यंत कारगर है। और आगे बढ़ते हैं तो विषनाशक है, तो हर एक विषनाशक वनस्पति है वो खून साफ करती है, वो बॉडी को शुद्ध बनाती है, तो ऑब्वियसली है बहुत लॉजिकल स्टेप है कि ये बुखार को भी दूर करेगी ही। ये हर एपिसोड में मैं बताता हूं आपको कि जो भी विषनाशक वनस्पति है वो बुखार दूर करेगी, क्योंकि बुखार क्यों आता है, बुखार इसलिए आता है क्योंकि खून गंदा है, खून में बैक्टीरिया है या जीवाणु है, तो कोई भी विषनाशक वनस्पति होती है वो खून को शुद्ध करती है और ये बहुत ही लॉजिकल है कि ये बुखार को बड़े सरलता से ये दूर कर देगी। तो ये भी इसका जो फायदा है वो याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़ा लॉजिकल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, अब अगर वो खून साफ करेगी ये जड़ी बूटी, तो ये समझना भी बड़ा आसान है, याद रखना बड़ा आसान है कि ये स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर कोई वनस्पति खून को शुद्ध करेगी तो वो त्वचा को बहुत ही अच्छा बना ही देने वाली है। तो हर तरह के चर्म रोगों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी इसके छाल का प्रयोग किया जाता है। और स्पेशली अगर किसी को मैलिग्नेंसी का प्रॉब्लम है, यानी अगर कोई घाव है किसी को जो कि ठीक नहीं हो रहा है और जो सड़ते जा रहा है, ऐसे में कदम का भी प्रयोग करना चाहिए। कदम के छाल को पाउडर बना करके प्रभावित स्थान पे लगाना चाहिए और कदम के छाल का अगर काढ़ा भी पीते हैं तो मैलिग्नेंसी दूर हो जाती है, घाव जो ठीक नहीं हो रहा है वो बड़े सरलता से बड़े जल्दी ठीक हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कदम विषनाशक वनस्पति है और मैंने किस तरह से मैंने आपको जो लिंक बताया कि जो भी विषनाशक वनस्पतियां होती हैं वो किस तरह से किडनीज के लिए भी अच्छी होती हैं, तो ये याद रखना बड़ा सरल है कि कदम मूत्रल है, ये हर तरह के मूत्र विकारों को भी दूर करता है। और आगे बढ़ते हैं, कदम हर तरह के सेक्सुअल डेबिलिटीज को दूर करता है, सेक्सुअल अगर किसी की क्षमता कम हो गई है इसमें भी कदम के स्पेशली फलों का अगर चूर्ण बना करके उसका सेवन किया जाए तो शारीरिक क्षमता पुरुषों में बहुत तेजी से बढ़ती है। इसके अलावा कदम महिलाओं के लिए, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनके लिए भी वरदान है, अगर स्तन में से दूध कम आ रहा है तो कदम के फलों का पाउडर बना करके सेवन करना चाहिए, इससे स्तन में दूध की मात्रा बढ़ जाती है। कदम एक इस तरह की वनस्पति है जो इतनी परोपकारी है कि एक वीडियो में इसके सारे फायदे बताना बहुत ही मुश्किल है, तो इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जो किसी दूसरे एपिसोड में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने हेल्थ चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाजत, बाय।